हमारे सामने राजन भैया हैं, तो कोरोना को लेकर के इनका कुछ अलग विचार है, तो इनके विचारों को जानने की कोशिश करते हैं। भैया बोलिए। बोलो। अरे अभी ये बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कोरोना को लेकर, देखिए भाग रहे हैं, देखिए आइए। अरे भैया हमारे भैया शर्मा रहे, अभी बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे थे। अरे तनीष बोल दीजिए, दो शब्द बोल दीजिए भाई, दो शब्द बोलिए, दो शब्द बोल दीजिए। हटाइए आप कोरोना के बारे में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते कोरोना पर। भैया बोले थरिया बजाइए और कोरोना भाग जाएगा। और कुछ? और कुछ नहीं, घरों में कैद भी होना है। घर में कैद होना है, दो बोतल लेके बैठना है। अच्छा, उसका इलाज अल्कोहल ही है। तो यानी कि अल्कोहल पी करके बैठेंगे? बैठेंगे। और कुछ नहीं भैया, और कुछ नहीं। नहीं मतलब बोलिए, कुछ तो बोलिए। ये वीडियो भेजना जरूर। नहीं भैया, हमारे राजन भैया बहुत ही अच्छे हैं, मतलब अभी कोरोना को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहे थे। हम सोचे इनकी कुछ बातों को रिकॉर्ड किया जाए, तो अब बोलने से शर्मा रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, बोलो। अरे भैया, अरे कुछ बोलिए। तो शर्मा रहे हैं थोड़ा। हमारे सामने मुकेश भैया हैं, हमारे साहब, तो इनसे हम पूछेंगे कि संकट के घड़ी में आप किसको याद करेंगे, बताइए। संकट के घड़ी में हम ईश्वर को याद करेंगे। लेकिन ईश्वर का तो ताला बंद हो गया है, जहाँ भी देखें वैष्णो देवी श्रीनी बाबा सब जगह तो मतलब ताला बंद हो चुका है। तब इस समय हम लोग को ये करने लायक है, सब लोग एकजुट हो जाए, एकजुट हो के इस बीमारी से लड़े। अच्छा। अपने आप को एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, कम से कम 1 मीटर, और अपने हाथों को चेहरों को ढके रहे, क्योंकि ये बीमारी ऐसा है जिसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जब हमने पहली बार पूछा तो आपने कहा कि आप ईश्वर को याद करेंगे। अब क्या किया जाए, जब ईश्वर के हाथ में नहीं है तो इंसान के हाथ में है, तो कम से कम यही हम कर सकते हैं कि इसका हम लोग ध्यान दें और एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें। अच्छा, ये कोरोना आ गया है तो आप ईश्वर किसको मानेंगे? ईश्वर हम एक दूसरे को ही मान सकते हैं, क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे से ही फैली है। हेलो। तो ये हमारे मुकेश भैया साहब हैं, कह रहे हैं कि डॉक्टर को ईश्वर नहीं मानेंगे, ये एक दूसरे को ईश्वर मानेंगे जाने के लिए। तो हमारे सामने हमारे बड़े भाई भी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कोरोना जो वायरस है, इसके बचाव के लिए सिर्फ और सिर्फ अभी हमारे पास जो विकल्प मौजूद है वो ये है कि हम अपने आसपास और अपने आप को सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखने के लिए हमें अपने आप को जो है भीड़ भाड़ वाली जगहों पे कम से कम जाएं, जहां पर भीड़ ज़्यादा है वहां पर हम इकट्ठा ना हों, जैसा कि भारत सरकार भी कह रही है। और हम अपने हाथों को लगातार धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। सैनिटाइज़र की अनुपलब्धता जैसे मार्केट में है, तो उसके विकल्प के रूप में हम ये भी कर सकते हैं कि हम अपने हाथों को साबुन से पर्याप्त समय देकर धुलें और अपने आसपास लोगों को जागरूक करें कि वो साफ़ सफाई का खास ख्याल रखें, जिससे कोरोना वायरस को हम ख़त्म कर सकें। जैसा कि हम जानते हैं कि हम भारतवासी जो है हर तरह की मुसीबतों का सामना करते हैं और उससे अंत में विजय पाते हैं। और जब भी हमारे भारत में कोई भी इस तरह का संक्रमण फैला है, हम लोगों ने अपनी जागरूकता से, अपनी सोच से, अपनी जागरूकता को ज़्यादा ख्याल रख के हम लोग ऐसे वायरस को या फिर इस तरह की बीमारियों को हम लोग अपने भारत में ज़्यादा प्रभावी रूप से संक्रमित नहीं होने देते हैं। और हम लोग जो है अपने आस पड़ोस सभी लोगों को जागरूक करके इस कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं। जैसा कि हमारे भैया ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और यहाँ पे बारिश भी स्टार्ट हो चुका है काफ़ी ज़ोरों से, तो हम गोरखपुर वाले पूरा रेडी हैं, वी आर रेडी टू फाइट।